धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशु को, धन्यवाद येशु को। ओ राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद येशु। प्रभु को गौरव येशु को, स्तुति हो द्या त्याला, स्तुति हो द्या त्याला, स्तुति दो येशु को, स्तुति दो येशु को। राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला स्तुति हो द्या त्याला, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को स्तुति दो येशु को। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा दो येशु को, महिमा दो येशु को। राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को महिमा दो येशु। तुझ्या रक्तात जय, तुझ्या नावात जय,
तुझ्या प्रेमाचे जय तुझ्या वचनाचे जय तुझ्या रक्ताचे जय तुझ्या नावाचे जय तू प्रभू सदा सारखाच असतो तुझ्या नियमातच मी चालतो भव्य सामर्थ्य तुझ्यात असतो हडना माझ्या जीवनी नांदे तो तू प्रभू सदा सारखाच असतो तुझ्या नियमातच मी चालतो भव्य सामर्थ्य तुझ्यात असतो हडना माझ्या जीवन नांदे तो तुझा वय भवाच गौरव हो तुझा गौरव गौरव हो तुझ्या वय भवाच गौरव रहेगी मुझ पर
योग्य है तू प्रभु यीशु। आराधना हो तेरी सदा सर्वदा, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु। आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च तू है, परम प्रधान है। तू ही महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च तू है, परम प्रधान है। महिमा हो तेरी, तेरी प्रशंसा महिमा हो तेरी, तेरी प्रशंसा। सारे जहां का तू राजा है, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु। आराधना प्रभु है सारे जहान का, कोई नहीं है तेरे जैसा। तू ही प्रभु है सारे जहान का, कोई नहीं है तेरे जैसा। कौन तुलना करे से निराला, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु। आराधना हो तेरी सदा सर्वदा, स्तुति के योग्य।
जयकार गाते गाते हम तेरे सम्मुख आते हैं। तूने ही हमको बनाया और हम तेरे ही चराई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, तू भला है और सदा सदा के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए Amen. Good evening and welcome to this evening's Bible study. Good evening और आप सबका स्वागत है आज शाम के Bible study के लिए। I hope you are staying indoors and staying safe. और मुझे आशा है कि आप महफूज हो और घर में ही बने रहे हो। And I believe and trust. मैं विश्वास करती हूँ, भरोसा रखती हूँ। That these days will come to an end soon. कि ये सारे दिन, इनका भी एक दिन अंत जल्दी होगा। This evening I want you to turn with me. मैं चाहती हूँ कि हम वचन में जाएं आज। First Chronicles chapter 21. पहला इतिहास इसका 21वां अध्याय। And we're going to be studying about David. और हम दाऊद के विषय में कुछ सीखेंगे। Shall we bow our heads in prayer? अब हम प्रार्थना करें। Father, let your word be a lamp unto our feet. पिता, आपका वचन जो है वो हमारे पैरों के लिए, कदमों के लिए दिया बने। And a light unto our way. और हमारे रास्ते के लिए एक रोशनी बने। In Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Okay, so as we turn to chapter number 21 of First Chronicles. जैसे हम पहला इतिहास इसका 21वें अध्याय की ओर जाते हैं। And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. And Joab answered, The Lord make his people 100 times so many more as they be. But my lord the king, are they not all my lord's servant? Why then do My Lord require this thing. Why will he be a cause of trespass to Israel? Nevertheless, the king's word prevailed against Joab,
Wherefore Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. And Joab gave the sum of number of people unto David. And all they of Israel were 1,000,000 and 100,000 men that drew sword. And Judah was 403 and 10,000 men that drew sword. But Levi and Benjamin counted he not among them. The king's word was abominable to Joab, and God was displeased with this thing. Therefore he smote Israel. And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing. But now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. And the Lord spoke unto God, David's seer, saying, Go, tell David, saying, Thus said the Lord, I offer thee three things. Choose thee one of them, and I may do it unto thee. So God came to David and said unto him, Thus says the Lord, choose thee either 3 years famine, or 3 months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thy enemies overtake thee, or else 3 days the sword of the Lord, even the pestilence in the land. And the angel of the Lord destroying throughout all coast of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me. And David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of the Lord, for very great are his mercies, but let me not fall into the hand of man. So Lord sent pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it. And he was destroying, the Lord beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed it, It is enough. Stay now thy hand. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. And David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord stand between the earth and heaven, having drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces. And David stood unto God, is not I that commanded the people to be numbered, even I it is. And Satan. Now David was anointed by Samuel, and he was anointed king of Israel. तो दाऊद जो था वो सैमुअल से अभिषिक्त था और वो इसराइल का एक अभिषिक्त राजा बोला गया था. And God had promised David. और परमेश्वर ने दाऊद को ये अभिवचन किया था. That his seed would inherit the throne. कि जो उसकी संतान है वो इस सिंहासन को हासिल करेगी. Now he was already blessed. वो देखा जाता पहले से आशीषित था. And when he went forward to do all his campaigns against his enemies, और आगे जाकर जब वो आगे बढ़ा और अपने सारे शत्रुओं को उसने सामना जब किया, he was victorious. तो वो विजयी रहा. He had a whole lot of achievements and accomplishments to his name. उसने बहुत सारी चीजें प्राप्त की और उसके नाम के प्रति उसने बहुत सारी चीजें हासिल भी की. Remember, he had consolidated the kingdom of Israel. Judah and Israel had become one. कि ये याद करते हुए कि यूदा और इसराइल ये पूरा साम्राज्य उसने एक कर दिया था. He had brought the ark to Jerusalem, and Jerusalem was known as the city of David. और जो उसने कोष था उसको यरूशलेम लेकर आया था, और यरूशलेम को दाऊद का शहर ऐसी बोलकर उसको पहचाना जाता था. So with all these feathers in his cap, तो ये सारी बातें जो उसने अपने जीवन में उस समय हासिल की थी. We come to chapter number 21. हम 21वें अध्याय की ओर आते हैं. Where it says that Satan stood against Israel and provoked David to number the people. कि वहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि जो शैतान है वो इसराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उपसाया ताकि वो इसराइल की गिनती करे. David called upon Joab, his commander in chief. दाऊद ने अपने जो सेनापति थे, अपने जो हाकिम थे, योआब को बुलाया. And he gave him the charge to number all the able-bodied men of Israel.
और इसराइल के जितने भी लोग हैं उनकी गिनती करने के लिए उसे वो काम सौंप दिया। जोआब फाउंड समथिंग रॉन्ग हियर। योआब ने तब जाकर देखा कि इसमें कुछ तो गलत हुआ है। ही आस्क्ड हिज किंग, उसने अपने राजा से पूछा, आर दीज नॉट ऑल योर सर्वेंट्स एंड मे द लॉर्ड मल्टीप्लाई देम, व्हाई डू यू रिक्वायर टू डू दिस। उसने पूछा दाऊद से कि क्या ये सब तेरे सेवक नहीं है और परमेश्वर इनकी और गिनती बढ़ाए, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनकी आज ऐसी गिनती करनी है हमें। बट द वर्ड ऑफ द किंग प्रिवेल्ड एंड जोआब लेफ्ट द प्लेस टू गो एंड अटेंड टू हिज चार्ज। लेकिन जो राजा का हुक्म था उसे मानना पड़ा और उसने जाकर वो जो आदेश था उसको पूरा किया। नाउ जोआब टुक द रूलर्स ऑफ द किंगडम and went from Beersheba up to Dan and numbered all the able-bodied men of Israel. तो जो योआब था वो सारे हाकिमों को लेकर अपने लोगों को लेकर चल पड़ा और बर्शीबा से लेकर गत तक उसने जितने भी लोग थे सबकी गिनती कर ली। And while he was numbering he came up to Jerusalem. और जैसे वो सबकी गिनती कर रहा था तो वो यरूशलेम की ओर आया। He did not count the Levites and the tribe of Benjamin. और उसने जो लेवी है और बन्यामिन के जितने भी कुल है उनको नहीं गिना उसने। Because he did not like what the king had asked him to do. क्योंकि उसे पसंद नहीं आया था कि जो राजा ने उसे काम सौंपा था। And the Lord was also displeased. और परमेश्वर इस बात से नाराज होगा। And he smote Israel. और परमेश्वर ने इसराइल का नाश किया। Now we go on to see the narrative. और हम आगे इस बात को देखते हैं ऐसे कि that David realized his mistake. दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ। And David pleaded before the Lord. और दाऊद ने विनती की परमेश्वर के सामने। He said, I have acted foolishly. दाऊद ने कहा कि मैंने मूर्खता वाली हरकतें की है। He realized he should not have done that. उसे एहसास हुआ कि उसने ये नहीं करना चाहिए था। So what went wrong really? तो सच में देखा जाए तो गलत क्या हुआ? What was it that led David to feel so sorry for the mistake that he had made. ऐसी कौन सी बात थी जिसके वजह से दाऊद को ऐसे लगा कि उसने कुछ तो गलती की और वो उस गलती के पास जाकर पहुंचा? Now realize when he told Joab to go and number the people, he said that I may know. तो ये याद करते हुए कि जब दाऊद ने योआब से कहा कि जाकर लोगों की गिनती करना, उसने ये इसलिए कहा कि ताकि मैं जान पाऊं। Now that itself showed that he had a lot of pride in his military strength. तो ये बात से काफी जाहिर होता है कि उसकी जो सेना थी उसके अंदर उसको बड़ा ही घमंड था और गर्व था। That was wrong. जो कि गलत है। But the Lord was displeased with him to such an extent that he smote Israel. So there was something seriously wrong. तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस बात से इतना नाखुश था कि परमेश्वर ने इसराइल पर नाश लाया। Turn with me to Exodus chapter 30 verse. करना पड़ेगा। Do you realize that they had to pay a price to be numbered as being one of the children of Israel? कि उन्हें एक प्रायश्चित करना पड़ेगा ताकि उनकी गिनती हो इसराइल की एक संतान, इसराइल के एक लोग बोले जाने के लिए। Now that was something that was awesome. तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। And so when David numbered his men and did not pay a ransom, it grieved, it displeased. तो जब इस बार आगे जाकर जब दाऊद ने इसराइल की गिनती की लेकिन कोई प्रायश्चित का कार्य नहीं करने दिया तो उस बात से परमेश्वर को काफी बुरा लगा और उन्हें वो खफा हो गए। And then you find that the Lord calls Gad his seer. और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर गाद को बुलाते हैं। Gad was the seer of David's kingdom. और दाऊद का जितना भी साम्राज्य था उसकी देख रेख करने वाला व्यक्ति था। And he tells Gad to tell David. और वो कहता है परमेश्वर गाद से कहता है कि तू जाकर दाऊद से ये बात बता। That he has an option where he can choose the punishment that he is to receive. कि जो उसे सजा मिलनी है दाऊद को तो वो चुन सकता है उसे। Remember David had pleaded before the Lord. ये याद करते हुए अभी कि दाऊद ने परमेश्वर से बड़ी विनती की थी। Take away this iniquity from me. कि जितनी ये बुराई की बातें हैं मुझसे तू निकाल ले। So David, I'm sure, was prepared. तो हम जानते हैं कि दाऊद तो तैयार था। To accept the punishment. कि वो ये स्वीकार कर ले कि जो सजा होगी उसे वो लेनी है। So the three options that
the Lord through Gad gave to David were जो तीन बातें जो परमेश्वर ने गाद के द्वारा दाऊद को एक ऐसे चुनाव के लिए दी were 3 years of famine कि 3 साल का या तो अकाल 3 months of being overtaken by his enemies या फिर ऐसे 3 महीने जिसके अंदर शत्रु उन पर पूरा कब्जा कर लेगा और 3 days where the Lord's sword would be upon the people of Israel which means they would have the plague या फिर 3 दिन जहाँ पर परमेश्वर की तलवार इसराइल के लोगों पर होगी जिसका अर्थ ये भी है कि जहाँ पर उनके यहाँ पे कोई आपदा या पीड़ा होगी David chose the third one दाऊद ने इस तीसरे चुनाव को चुन लिया because he said क्योंकि उसने कहा to fall into the hands of the Lord is better than falling into the hands of men कि परमेश्वर के हाथों में गिर जाना ये बेहतर है इससे कि हम इंसान के हाथों में गिर जाएं That's a point to be noted. ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको हमें याद रखना है Because the Lord is great in his mercy. क्योंकि परमेश्वर अपने करुणा में अपनी दया में महान है And so as per his choice, और उसके चुनाव के जैसे जैसे आगे बढ़ा वो There were 3 days of utter pestilence in the nation in the land of Israel और 3 दिन हम देख सकते हैं कि इसराइल के पूरे साम्राज्य और भूमि पर बड़ी पीड़ा आई ऐसी 70,000 men fell to this plague 70,000 लोग इस पीड़ा के वश में आ गए and the lord grieved और परमेश्वर ने दुख जताया इस बात के लिए he found this calamity very painful परमेश्वर को ये जो आपत्ति आई उसे बड़ी दर्दनाक लगी and he tells the angel to stop and withhold his hand and david at this point और दाऊद इस समय also pleads to the lord वो भी परमेश्वर से ये गुहार लगाता है he says let your punishment fall upon me was it not i who asked for the people to be numbered कि प्रभु जो आपकी सजा है वो मुझ पर आ गिरे क्योंकि क्या वो मैं नहीं था जिसने ये कोशिश की कि लोगों की गिनती करे put this punishment upon me and my household but spare the people तो ये जितनी भी सजा है वो मुझ पर और मेरे घराने पर हो लेकिन ये जितने इसराइल के लोग हैं उन्हें तू बख्श देना Notice the heart of David. यहाँ पर हम दाऊद के हृदय को देख सकते हैं He loved his people. वो अपने लोगों से प्रेम करता था And he loved God also. और वो परमेश्वर से भी प्रेम करता था I want you to contrast David with Saul in this reaction and in this attitude towards his own iniquity. तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम सब इस चीज़ पर गौर करें कि जहाँ पर दाऊद और दाऊद की गलती और एक समय सॉल और शॉल की जो गलती थी इनमें इन दोनों की अपने अपने गलतियों के प्रति प्रतिक्रिया कैसी थी If you recall, अगर हम याद करें that Saul had been asked by the Lord to destroy the Amalekites totally. कि परमेश्वर ने सॉल से कहा था कि तू अमालेकियों का पूरी तरह से सर्वनाश करना Men, women, cows, sheep, donkeys, everything. पुरुष स्त्री जितने भी उनके भेड़ बकरी जानवर जितने भी सबका नाश करना है But Saul लेकिन Saul But Saul had picked up the best ones and kept them. लेकिन सॉल ने क्या किया सॉल ने जितना भी उत्तम उसे लगा उसने उसको बख्शा और अपनी अपने खुद के लिए रख लिया And when Samuel confronts Saul और जब सैमुएल ने सॉल से इस विषय में पूछा So Saul turns round and justifies himself saying that he kept them to be offered as sacrifices to your God. तो सॉल ने ये कहा शमूएल से कि मैंने तो इन सब को इसलिए बख्शा ताकि मैं इन सब का अर्पण कर पाऊँ तुम्हारे परमेश्वर के लिए. Notice the difference. यहाँ पर हम फर्क देख सकते हैं. Notice the difference in attitude. कि जो मानसिकता है उसमें फर्क हम देख सकते हैं. And here you find that David is known as a man after God's own heart. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद को जाना जाता है कि परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति बोलकर। Let's get on with the narrative. जहाँ पर जो कहानी उसके आगे बढ़ते हुए। We find that the angel of the Lord stands in a place which is the threshing floor of a Jebusite called Arnon. कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आगे कि परमेश्वर का जो दूत है वो अरनान इसके उस जगह पर जाकर वहाँ पर प्रकट होता है। And he stops there. और वही जाकर रुक जाता है। But his sword is over Jerusalem. लेकिन उसकी जो तलवार है वो यरूशलेम के ऊपर है। Now David sees this angel. और दाऊद इस स्वर्गदूत को देखता है। And he pleads before the Lord. और वो परमेश्वर से ये गुहार करता है। That do not to spare the people. कि ताकि वो लोगों को बख्शे। He says, "Did was it not I who did this iniquity? Was it not I who had
asked for the people to be numbered. These are just sheep and they are innocent people. और वो ये कहता है कि क्या वो मैं नहीं था जिसने ये सारे काम किए, क्या वो मैं नहीं था जिसने गिनती करने की कोशिश की, तो ये लोग जितने भी हैं ये तेरी भेड़ें, इनको बख्श दे। His heart was for his people. उसका जो हृदय था वो उसके लोगों के लिए था। And then the Lord sends Gad to him. और तो फिर परमेश्वर गाद को भेजता है उसके पास। Remember, Gad was the seer of Israel. गाद वो था जो इसराइल की सारी देखरेख करता था। He conveys a message from the Lord to David to build an altar at this threshing floor. और गाद परमेश्वर का संदेश दाऊद तक पहुंचा था कि इस जगह पर, अरनान की उस जगह पर परमेश्वर के लिए एक वेदी तू स्थापित कर। And so David in complete obedience goes up to this threshing floor of the Jebusite. और परमेश्वर की पूरी आज्ञा पालन में रहकर दाऊद उस जगह पर जाकर वो कार्य पूरा करता है। When he goes up to Arnan, जब वो अरनान के पास जाता है, he sees that Arnan has also seen the angel of the Lord. कि उसे पता चलता है कि अरनान ने भी परमेश्वर के उस दूत को देखा है। So when David comes up to Arnan, Arnan is ready to give everything to David. तो जब दाऊद अरनान के पास जाता है, तो अरनान पूरी तैयारी में कि दाऊद को जो भी चाहिए वो उसे दे दे। When David says that he has come to buy the threshing floor, कि जब दाऊद जाकर उसे कहता है कि वो उस चीज, उस जमीन को खरीदने की कोशिश कर रहा है, he says, take it, take my oxen and take my threshing sledges, use them, use their wood and do whatever you need to. तो अरनान कहता है कि तुझे जो चाहिए तू वो ले ले, तू चाहे तो मेरे गधे घोड़े जो चाहिए ले ले, तुझे जो औजार चाहिए वो सारे तेरे लिए हैं। But David says he's going to pay a price. लेकिन दाऊद कहता है कि वो एक कीमत चुकाएगा। Because he did not want to offer to the Lord something that cost him nothing. क्योंकि दाऊद चाहता था कि परमेश्वर को ऐसा कोई अर्पण ना करे जिसके लिए उसने कोई कीमत ना चुकाई हो। Again a point to be noted. फिर एक बार एक मुद्दा जिसको हमने याद रखना है। Don't give the Lord something that costs you nothing. कि परमेश्वर को ऐसा कोई बात या ऐसा कोई अर्पण ना बहाए जिसके लिए आपने कोई कीमत ना चुकाई। And here you find. और यहाँ पर हम देखते हैं। That after David has made the sacrifices. कि दाऊद ने जितने अर्पण बहाने के बाद। The Lord tells the angel. परमेश्वर स्वर्ग दूत से कहता है। To put the sword back into its sheath. कि अपनी जो तलवार है उसको अपने म्यान में रखने हैं। You find that the wrath of the Lord has been appeased. हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का क्रोध है उसे शांत कर लिया गया। You know, a fire came down from heaven. स्वर्ग से एक अग्नि नीचे उतर आई। And David saw that. और दाऊद ने उसे देखा। And he realized that there was divine approval on the sacrifices that he made. और हम देख सकते हैं कि दाऊद को यह एहसास हुआ कि एक दैविक तौर पर परमेश्वर की ओर से स्वीकारा गया है यह अर्पण। And the sight of that place. और उस जगह का जो नजारा है, that was something very special for David. वो दाऊद के लिए बड़ा खास था। And so he made some more sacrifices. तो उसने और वहां पर अर्पण बहाए। He made peace offerings and he made burnt offerings. उसने शांति रूपक अर्पण किया और उसने burnt offering भी किया। Now I want you to fast forward when Jesus was crucified on the cross at Calvary. जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्रूसित हुए, He paid a ransom for us all. उसने हम सब के लिए कीमत चुकाई। Remember in the Exodus 30 verse 12. कि 30वां अध्याय और 12वां वचन जिसमें हम देख सकते हैं। To be included as the children of Israel, they had to pay a ransom. They had to pay a price. कि इस्राएल की संतान या इस्राएल के लोग गिनती होने के लिए उन्हें कीमत या प्रायश्चित करना पड़ता था। And then David, remember, has paid this price. और ये याद करते हो कि अब जाकर दाऊद ने वो कीमत चुकाई है। Remember, they were destined to have a plague because of what David had done. क्योंकि उनकी अब वो मंजिल बन गई थी कि उनके ऊपर ऐसी पीड़ा आए क्योंकि दाऊद ने जो किया था पहले। लेकिन जो गलती हुई उस गलती के चलते दाऊद तैयार था वो कीमत चुकाने के लिए, वो प्रायश्चित करने। Jesus on the cross of Calvary, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर paid that ransom. उन्होंने वो प्रायश्चित, वो कीमत चुकाई। So that you and me can be counted as the children of God. ताकि तुम और मैं हम परमेश्वर के संतान ये बन जाए। Isn't that beautiful? क्या ये अद्भुत नहीं है? That he has already paid the price. कि उसने पहले से अब वो कीमत चुकाई है। He has made that atonement. उसने वो प्रायश्चित किया है। So that you and I will be numbered as one of the children of God. कि
कि तुम्हारी और मेरी अब जाकर वो गिनती हो परमेश्वर के संतान बोलकर एंड वी मे बी सेव्ड फ्रॉम द प्लेग दैट वी आर डेस्टिन्ड फॉर और जो हमारी मंजिल में पहले से तय था जो पीड़ा उससे हम मुक्ति पाए Isn't that great? क्या यह अद्भुत नहीं है I want you to concentrate very specially मैं चाहती हूँ कि हम बहुत ध्यान से इस चीज पर ध्यान दें that David कि दाऊद paid a price उसने कीमत चुकाई in repentance पश्चाताप में for what he had done जो उसने किया था उसके लिए as a result जिसका परिणाम ऐसा that we find in chapter 22 verse 1 कि हम 22वें अध्याय पहले वचन में देखते हैं पहले इतिहास के he realized that that was the place उसे यह एहसास होता है कि यह वो जगह है अब where the house of the lord is and the altar for the burnt offerings is कि जहां पर परमेश्वर का भवन परमेश्वर का घर है और जहां पर होम अर्पण भी है later on we see in the following chapters आगे जाकर आने वाले अध्याय में हम देखते हैं that david urged or david commanded his son solomon to build the temple in that place ki hum dekhte hain aage jaakar ki daud ne apne santan shalmon ko kaha ki wo wahan par parmeshwar ke liye ek mandir sthapit kare and it was built aur wo mandir sthapit hua and the wall still stands aur wo aaj bhi deewarein khadi hai wahan you see the golden dome hum dekh sakte wo sunehra gumbad but that is the site of the temple of solomon lekin wahi nazara hai shalmon ke us mandir ka and that has its origin in the threshing floor of the jebusite ornan wo jo yebusi ornan tha uske threshold uske jagah par wo sthapit hua tha tab us samay the beauty of it is iski sundarta aisi hai ki that was the same place jerusalem was the same place where jesus also paid the price for you and me ki jerusalem bhi wahi jagah hai jahan par yeshu masi ne tumhare aur mere liye wo keemat chukayi and the cross is that same altar where he offered himself as the ultimate sacrifice aur cross wo wahi vedi hai jahan par usne sabse bada keemat chukaya and so friends isliye mere dosto as I take your leave jaise main aapse vida leti hu I urge you main aapse vinanti karti hu to look upon that cross ki aap us cross ki aur dekhe and to offer a sacrifice of repentance aur ek paschatapi roopak arpan bahaye See God, see Jesus has already forgiven you. ये जानकर कि यीशु मसीह ने तो हमें पहले से क्षमा कर दिया है. But the iniquities that we do every day. लेकिन हमारे रोज के जीवन में हम जितने भी अपराध करते हैं. Will have consequences that our children will have to bear. उनके ऐसे नतीजे होंगे जो हमारे आने वाले पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे शायद. But with this repentance in our heart. लेकिन ऐसे पश्चाताप को हमारे हृदय में लेकर. And this altar that we build. ये जो वेदी जिसको हम बांधते हैं ऐसे. That will make sure. ये ध्यान रखेगी. That our seed will do great exploits, just like Solomon built this beautiful temple for David, for the Lord. ये इस बात का ध्यान रखेगी कि जो हमारी संतान है, वो शलमोन की तरह परमेश्वर के लिए महान और अद्भुत कार्य करेगी. It was on that same place. ये वही जगह पर था. Where the altar was built. जहाँ पर वो वेदी स्थापित हुई. By the Father. पिता के द्वारा and glory was displayed by the son और महिमा वहां पर प्रकट हुई उसके बेटे के द्वारा shall we pray आओ हम प्रार्थना करें father how we thank you this evening for bringing your word to us पिता हम कैसे धन्यवाद दें आज शाम के लिए कि आपने इस वचन को हमारे तक पहुंचाया thank you lord for making us to understand what you expect of us धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें समझाया और मदद की समझने कि आप हमसे किस बात की उम्मीद रखते हो थैंक यू लॉर्ड फॉर योर सर्वेंट डेविड धन्यवाद पिता आपके सेवक दाऊद के लिए दैट वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम कि हम उनके जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं फादर इवन एज वी गो अबाउट आवर बिजनेस पिता जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते और काम करते हैं हेल्प अस टू बी कॉन्शियस ऑफ द राइट चॉइसेस दैट वी मेक प्रभु हमें मदद करना ताकि हम संवेदनशील रहे कि किस प्रकार के हम चुनाव लेते हैं हेल्प अस नॉट टू डिस्प्लेज यू प्रभु हमें सहायता करना कि प्रभु हम कहीं भी आपको खिन्न या निराश ना करें हेल्प अस टू नो योर हार्ट हमें सहायता करना कि प्रभु हम आपके हृदय को जानें एंड हेल्प अस फादर टू बिल्ड ऑल्टर्स डे आफ्टर डे सो दैट वी माइट बी अ गुड एग्जांपल फॉर आवर चिल्ड्रन
या प्रभु हमें इतनी मदद करना कि ताकि हम अपने जीवन में हर रोज एक नई वेदी स्थापित करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी संतानों के लिए प्रभु एक आदर्श बन पाए। थैंक यू फादर फॉर योर गुडनेस एंड योर मर्सी दैट इज एंड्योरिंग फॉरएवर। प्रभु धन्यवाद आपकी दया और आपकी करुणा के लिए जो हमारे जीवन पर सदा की है। वी बिलीव एंड ट्रस्ट दैट इट विल कंटिन्यू थ्रू ऑल दीस डेज एज लॉन्ग एज वी लिव। और हम विश्वास करते और यकीन है हमें कि ये आपकी दया और करुणा प्रभु हमारे जीवन में और ये सारे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस टाइम दैट वी कुड स्पेंड टुगेदर। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए जो हमने साथ में बिताया। इन जीसस नेम आई प्रे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं इसलिए आपसे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।